ट्रेन में बिना टिकट के कई लोग सफर करते हैं जिसमें बहुत पकड़े जाते हैं और बहुत टीटी की आंखों में धूल झोंक कर भाग जाते हैं। लेकिन टीटी की नज़र सारी यात्रियों पर होती है। वह दूर से ही समझ जाते हैं कि किसी यात्री के पास टिकट है और किसके पास नहीं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें बगैर टिकट के लिए एक यात्री ट्रेन में सफर कर रहा था और स्टेशन बस करीब आने ही वाला था और ट्रेन भी लगभग धीमा हो चुका था, यानी मन ही मन में खुश था कि अब तो स्टेशन आ चुका है और टिकट देखने अभी तक आया ही नहीं और मैंने पूरा सफर काट भी लिया। लेकिन जैसे ही वह उठकर पीछे वाले कोच में गया, उसने देखा कि वहाँ टीटी है। बस ऐसे ही वहाँ से पीछे आने लगा। टीटी समझ गया कि इसके पास टिकट नहीं है। बस फिर क्या था, चोर सिपाही का खेल शुरू हो गया। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के रेलवे के झांसी मंडल में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें स्टेशन पर सभी नियमों की अच्छी तरह से जांच होती है। इसी जांच के दौरान हुआ यह कि एक ट्रेन में स्लीपर कोच में एक यात्री सफर कर रहा था। जैसे ही जांच के लिए जाती है, वह बंद बैग उठाकर पीछे के कोच में चला जाता है। इसी क्रम में एक टीटी ने उसे यह करते हुए देख लिया, पर पहले उसे ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में जब पीछे वाले कोच में टीटी गया तो वह यात्री वहां से भी भागने के लिए पीछे जाने लगा। टीटी समझ गया कि अब बगैर टिकट यात्री है और वह पीछा करते हुए कोच में गया। दूसरी ओर ट्रेन धीमी हो रही थी। यात्री को लग रहा था कि आने वाले स्टेशन में रुक जाएगी और पीछे कोच बदल कर उतर जाएगा। इस तरह एक एक करके पीछे के कोच में जा रहा था। टीटी ने उसे पकड़ने की ठान रखी और 6 कोच तक पीछा किया। आखिरी कोच के पीछे सामान्य कोच लगा था, इसलिए कोच कनेक्ट नहीं था। दूसरी ओर स्टेशन आते ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली और स्टेशन पार कर गई। चूंकि यह सुपर फास्ट ट्रेन थी, स्टेशन में स्टॉपेज नहीं था। यात्री को यह नहीं पता था कि अंत में टीटी ने यात्री को पकड़ कर पेनाल्टी लगाई। जांच अभियान में वीरंगना लक्ष्मीबाई, झांसी, ग्वालियर, बांदा, ललितपुर, उरई, मोरना, त्रिकुट, धामा, करवी, टीकमगढ़, खजुराहो सहित मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर शामिल रहे। अभियान में इन स्टेशनों के सभी प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम, खानपान स्टॉल चेक किए गए व मंडल स्टेशन से गुजरने वाली यात्री गाड़ियों के सभी कोचों को, जिनमें महिला का दिव्यांग कोच भी शामिल रहे, उनकी जांच की गई। जांच में पूरे झांसी मंडल में बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज, धूम्रपान एवं गंदगी फैलाने के 1605 मामले पकड़े गए, जिनसे 12.60 लाख रुपए पेनाल्टी के रूप में लगाए गए हैं।